और प्रश्न में जो रसोलियां खेलतियां आज बोलो आज कैप होगी यीशु मसीह के नाम से आज उखड़ेंगी। मैंने कहा डिक्लेयर करो विश्वास के साथ। हालेलुया, आप सबको मेरी ओर से जैमसी की। आप जो ये प्रार्थना सुनने के लिए जा रहे हो, इस प्रार्थना में प्रभु ने अपने दास को खास अगुवाई की है। इस प्रार्थना में आप समझोगे कि आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो, और जब आप इस प्रार्थना को विश्वास के साथ सुनोगे और अधिकार के साथ उन बीमारियों पर डिक्लेयर करोगे, मेरा विश्वास है कि आप इस प्रार्थना को सुनने के द्वारा आप हर एक तरह की चंगाई और आशीष को प्राप्त करोगे। इसलिए आप इस प्रार्थना को विश्वास के साथ सुनना। मेरा विश्वास है कि आपके जीवन में बड़े बड़े रिजल्ट आएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमेन। तू मेरे सारे दुख सलीब पर ले चुका है, पर मैं जानती नहीं थी जो आज परमेश्वर ने मुझे सिखाया है, क्योंकि मैं तेरी बेटी हूं, मैं तेरा बेटा हूं। अगर हो तो आज डिक्लेयर करो, इस बात को घोषणा करो। मैं क्या कहता हूं, अगर आप बेटी हो बेटा हो तो आज डिक्लेयर करो। आज हर उन अंधकार की शक्तियों के ऊपर उस बेटी और बेटा होने का अधिकार जताओ। मैं क्या कहता हूं, आज अधिकार जताओ ताकि वो आज पत्थरियां टूटे, आज रसौलियां जाए। मैंने कहा आज वो पत्थरियां टूटे, रसौलियां निकले। हर अंधकार की दुष्ट आत्माएं जबकि जीवन पर जो गुप्त रूप में मैं काम कर रही है, उसे डिक्लेयर करो, घोषणा करो, बोलो यीशु मसीह के नाम से, बोलो तेरा कोई अधिकार नहीं मेरे ऊपर। नशे की दुष्ट आत्मा को बोलो, बीमारी की दुष्ट आत्मा को बोलो, खर्च की दुष्ट आत्मा को बोलो, बोलो 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 विश्वास से बोलो, तेरा कोई अधिकार नहीं। डिक्लेयर करो, घोषणा करो, अपनी बीमारियों पर घोषणा करो अभी, राइट नाउ। आज्ञा करो यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा आज्ञा करो, आज्ञा करो यीशु मसीह के नाम से, कहो उसे विश्वास से, बोलो 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 विश्वास से, कहो बोलो तेरा कोई अधिकार नहीं, बोलो बोलो विश्वास से, बोलो 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 विश्वास से, बोलो विश्वास से, बोलो विश्वास से, तेरा कोई अधिकार नहीं है। घोषणा करो, मैं प्रभु की बेटी हूं, मैं प्रभु का बेटा हूं। घोषणा करो, पत्थरी को बोलो, रसौली को बोलो, निकल, बोलो निकल यीशु मसीह के नाम से, बोलो निकल यीशु मसीह के नाम से, बोलो 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 बोलो, बंद पीरियड को बोलो खुल जाए यीशु के नाम से। जिनके बच्चा नहीं है बोलो, शैतान को बोलो तेरा कोई अधिकार नहीं है, बच्चा मेरे पेट में, बोलो बच्चा मेरे घर में, इस तरीके से उसे डिक्लेयर करो, डिक्लेयर करो, डिक्लेयर करो। मैंने कहा डिक्लेयर करो, अपनी बीमारियों पर डिक्लेयर करो, बोलो बोलो, हार्ट के रोगी, सर्वाइकल के रोगी, रीढ़ के हड्डी के जो पेशेंट है, डिक्लेयर करो। जिनके मन के थपे हुए काम नहीं कर रहे और ब्रेस्ट में जो रसौलियां खेलतियां आया, तो बोलो आज कैप होगी यीशु मसीह के नाम से, आज उखड़ेंगी। मैंने कहा डिक्लेयर करो विश्वास के साथ, बोलो 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 बोलो, तेरा कोई अधिकार नहीं है, नॉर्मली मन से नहीं, अधिकारी मन से, विश्वास से बोलो। मैंने कहा अधिकार से बोलो, मैं आपको बताता हूं कैसे बोलना है। ऐसे बोलो परमेश्वर से, बोलो ऐसे विश्वास से बोलो, नहीं है तू, बोलो नहीं है तू, मेरी वाल देखो मेरी तरफ देखो, बोलो नहीं है, पत्थरी को बोलो नहीं है, जो आपके ब्रेस्ट में गिल्टी है, रसौली है, कुछ है, उसे बोलो नहीं है। सिर में कोई ब्रेन ट्यून में कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, बोलो आस, बोलो बोलो बोलो, आंखें बंद करो और बोलो अधिकारी के साथ, तेरा कोई अधिकार नहीं। अगर आपका टेढ़ापन है, तो अगर सूखा हाथ वाला वो मनुष्य अगर वो चंगा हो सकता है, तो बाइबल हमें बताती हम भी चंगे होंगे पर विश्वास से होंगे, जैसे विश्वास उस सूखे वाले हाथ वाले मनुष्य के अंदर था। मैंने कहा जैसा विश्वास उस सूखे वाले हाथ वाले मनुष्य के अंदर था, बोलो 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 बोलो, आज मेरा विश्वास से आज सेम नहीं जाओगे आप। अगर आप इस रीति से विश्वास कर रहे हो, अधिकार से डिक्लेयर कर रहे हो उन बीमारियों के ऊपर, तो आज आप सेम नहीं जाओगे, बोलो 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 बोलो। अगर पेट में दर्द है, पेट में कोई प्रॉब्लम है, बोलो बोलो विश्वास से चली जा, बोलो उस दर्द को बोलो चली जा,
घुटने के रोगी बोले चली जा, बोले 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 चली जा, बोले बोले जिनकी हड्डियों में दर्द है, टांगों में दर्द है, घुटने काम नहीं कर रहे, उनको बोलो चली जा, डिक्लेयर करो, घोषणा करो, बोलो चली जा, बोलो चली जा, बोलो चली जा। जिनके अंग नहीं काम करते वो काम करे, मैंने कहा जिनके अंग काम नहीं करते वो काम करना शुरू करे। अगर आप इस घोषणा को रिसीव कर रहे हो तो अपने अंगों को हिलाओ, उठो और चलो और बैठो, जो नहीं होता वो करो। विश्वास से परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है आज, वो आपके बीच है, मगर जब तक आप उठोगे नहीं, उस रीति से आप करोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। मैंने कहा करो, आपका टेढ़ापन सही हो जाए, चाहे वो आंखों का, चाहे फेस का है, चाहे पैरों, जो आपका पांव है, आपके छोटे बड़े अंग, यीशु के नाम से वो सही हो जाए। आपके घुटनों का रोग चला जाए, पत्थरियां चली जाए, रसौलियां निकल जाए। मैंने कहा हर तरह की बीमारी आज आपके जीवन से चली जाए यीशु के नाम से। मैंने कहा चली जाए, मैंने कहा चली जाए, राइट नाउ अधिकार के साथ बोलो, गुप्त रोगों से चंगे हो जाओ, बंद पीरियड खुल जाए यीशु के नाम से, लकोरिया चला जाए। मैंने कहा लकोरिया चला जाए, आउट द नेम ऑफ जीसस, कमांड करो लकोरिया को, कमांड करो, बोलो तेरा कोई अधिकार नहीं है। अगर आप मन फिरा चुके हो पापों से तो खुदा का आत्मा छुएगा, क्योंकि पापी इंसान के जीवन में नहीं, जो अपने पाप से मन को फिराता है उसको वो छूता है। अगर आप कोई पाप कर रहे हो तो परमेश्वर से कहो, परमेश्वर मुझे माफ कर, आज से मैं गंदा देखूंगी नहीं, गंदा सोचूंगा नहीं, मुझे माफ कर, और अपनी दया को, अपने प्रेम को तू आज प्रकट कर, उस प्रेम को जो क्रश है, उस प्रेम को मेरे जीवन में प्रकट कर। आंखों के रोगी बोलो, कानों के रोगी बोलो, मैंने कहा आंखों के रोगी बोलो, अधिकार से बोलो, बोलो बोलो, जितने आंखों के रोगी हैं, कानों के रोगी हैं, हाथ रखो और बोलो तेरा कोई अधिकार नहीं है। मैंने कहा अधिकार बोलो, अधिकार से बोलो, अधिकार से बोलो, बोलो 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 बोलो, मैंने कहा बोलो, मैंने कहा बोलो बोलो, अधिकार से बोलो। मैंने कहा तो बंद कान खुल जाए, अंधापन चला जाए, मैंने कहा अंधापन चला जाए, हर ओ गूंगी बैरी दुष्टात्मई आज आपको छोड़े और चली जाए। मैं कहता हूं छोड़े और चली जाए, हर ओ क्लेश की दुष्टात्मई आपके घरों में से जो क्लेश करती वो चली जाए, हर ओ नशे की दुष्टात्मई आज वो चली जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं कहता हूं हर ओ नशे की दुष्टात्मई वो चली जाए, हर ओ काम जो शैतान ने जो आपके जीवन में जो रुकावट जो बांध के रखा था आज वो हर काम खुल जाए यीशु के नाम से। मैंने कहा वो हर काम खुल जाए। अगर आप रिश्ता समझ चुके हो और आप अपने मन फिरा चुके हो पूरी रीति से तो वो छूगा, वो आसी आपके जीवन में बड़े रिजल्ट लेकर आएगा। आपकी जॉब के रास्ते खुलेंगे, आपके कर्जे उतरेंगे, आपकी चाहे वीजा फाइल या चाहे कोई भी काम है, अगर आप मन फिरा चुके हो खुदा के साथ, इस बेटे और बेटी का रिश्ता आप समझ चुके हो, तो मैंने कहा वो हर काम होंगे यीशु मसीह के नाम से। उसने कहा यदि तू मेरी सब आज्ञाओं को मानेगा, चौकसी से पूरा करेगा, मैं तुझे पृथ्वी की जातियों से ऊंचा करूंगा, मैं अपने आकाश रूपी भंडार को खोल दूंगा तेरे लिए, वो खोलेगा। मैंने कहा वो आपके लिए खोलेगा, मैंने कहा वो आपके लिए खोलेगा। जैसे योएल भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की कि तुम्हारे पुरनिये, तुम्हारे बेटे बेटियां दर्शन देखेंगे और भविष्यवाणी करेंगे और ऐसा होगा। मैंने कहा ऐसा होगा, मैंने कहा ऐसा होगा यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा ऐसा होगा, अगर योएल भविष्यवक्ता की वो भविष्यवाणी पूरी हुई तो आज ये जो वचन है, आज का जो जी शब्द है, आज वो पूरा होगा। मैंने कहा आज का लेख, आज का शब्द आपके जीवन में पूरा होगा। मैंने कहा वो आज पूरा होगा, आपके रास्ते खुलेंगे, आप बड़े पद पर जाओगे, बड़ी पोस्ट को हासिल करोगे, बड़ी जॉब आपके पास होगी, बड़ी आशीषें आपके पास होगी, बड़े बिजनेस आपके पास होंगे,
अब बेटी बेटियों के साथ ब्लेस होंगे यीशु के नाम से। हर वो चीज आपके पास होगी, आप एक बहुतायत का जीवन चोखे जीवन को आप जियोगे। मैंने कहा आप उस जीवन को जियोगे जो वो लेकर आया, आपके रास्ते खुलेंगे। सोचने से नहीं, उस अधिकार को समझने से और विश्वास से सब काम होंगे। अगर आप समझ चुके हो तो आप धन्य हो। मैंने कहा आप धन्य हो, आप धन्य हो, आज से आप धन्य हो, आपकी संतान धन्य है। मैंने कहा उसने आपके कहा कि तुम्हारी संतान धन्य होगी, तेरे गाय बैल भेड़ बकरी तेरी जमीन के पास सब चीजों में तुम धन्य होगे। मैंने कहा आप धन्य होगे। अगर आप मन फिरा चुके हो तो सब आशीर्वाद लिखा तुझ पर आएंगे, यहोवा की सुनने के कारण वो सब आशीर्वाद तुझ पर आएंगे, आज से वो आएंगे। मैंने कहा आज से वो रस्ते आएंगे, क्योंकि वो घूस लेने वाला परमेश्वर नहीं है, वो रिश्ता रिश्वत लेने वाला परमेश्वर नहीं है, वो विश्वास से काम करने वाला परमेश्वर है। जब आप अपना विश्वास दोगे, आप अपना प्रेम उसे दिखाओगे तो गूंगे बोलेंगे, अंधे देखेंगे, पैरे सुनेंगे और लंगड़े चलेंगे। मैंने कहा लंगड़े चलेंगे उसके नाम से, कोढ़ी पाक शुद्ध किए जाएंगे। मैंने कहा कोढ़ी पाक शुद्ध किए जाएंगे, अंधकार की सब बीमारियों से आप आजाद होंगे, आप आजाद होंगे। मैंने कहा आप आजाद होंगे, फिर से अपनी बीमारी पर डिक्लेयर करो, घोषणा करो। मैंने कहा घोषणा करो राइट नाउ, इसी समय बोलो मैं परमेश्वर की बेटी हूं, मैं बेटा हूं, तेरा कोई अधिकार नहीं। बोलो बोलो आज वो छूएगा। आप अभी अपनी टेस्टामनी देने के लिए आगे आओगे। मैंने कहा आप अभी अपनी गवाही देने के लिए आगे आओगे। जितने ऑनलाइन इस मीटिंग को देख रहे, मैंने कहा जितने घरों में आज इस मीटिंग को देख रहे, जहां इसके बाद देखे, इस घोषणा को सुनो और डिक्लेयर करो शैतान पर, उन बीमारियों पर, आप बेटा हो, आप उसकी बेटी हो। मैंने कहा डिक्लेयर करो, मैंने कहा इस बात के द्वारा डिक्लेयर करो अपनी बीमारियों के ऊपर। उसे बोलो 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 बोलो, जो हरनियों के रोगी हैं, बोलो बोलो बोलो, जिनको जो भी प्रॉब्लम है, बोलो बोलो बोलो, आपके पांव में जलन है, आपके पेट में जलन है, बोलो 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 बोलो। मैंने कहा बोलो बोलो बोलो, वही गिटार वही कॉर्ड रखो। मैंने कहा वही 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 रखो, बोलो बोलो, डिक्लेयर करो, बोलो आज मेरा विश्वास है कि आज आप अभी आप अपनी शिफा को पाकर जाओगे। मैंने कहा आप अभी अपनी शिफा को पाकर जाओगे, अभी अपनी शिफा को पाकर जागोगे। बोलो बोलो बोलो, अंधकार की उन दुष्टात्माओं के ऊपर, उन बीमारियों के ऊपर डिक्लेयर करो, अपनी बीमारियों को बोलो तेरा कोई अधिकार नहीं है। जो टाइफाइड के रोगी है, बोलो बोलो बोलो, जिनकी बॉडी में बुखार है, जब कोई भी समस्या प्रॉब्लम है उसे बोलो अधिकार के साथ, बोलो बोलो बोलो, तेरा कोई अधिकार नहीं है। मैंने कहा अधिकार के साथ बोलो, आप जो बोलोगे, आज जो विश्वास करोगे, हे अब्बा हे पिता कहकर, आज वो सब होगा। मैंने कहा वो सब होगा, मैंने कहा वो सब होगा, आज वो सब होगा। आज परमेश्वर ने आपकी सुन लिया, जिन्हें नींद नहीं आती, आज से आप मिट्टी, आप एक अच्छी नींद खोलोगे यीशु मसीह के नाम से। आज खुदावंद ने आज आपकी सुन ली। मैंने कहा आज से आपको अच्छी नींद आएगी, जो बोझ के तले, जिनके दिमाग अब नॉर्मल है काम नहीं करती वो काम करेंगे, जिनके पास कम बुद्धि है वो समझने वाले बन जाएंगे आज से। मैंने कहा आज से वो हर काम होगा, मैंने कहा आज से वो हर काम होगा यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा आज से वो हर काम होगा, मैंने कहा हर वो काम होगा, हर काम होगा। गर्दन को घुमाओ, मैं आपकी हीलिंग को होते हुए देख रहा हूं। अपनी गर्दन को घुमाओ, मैं कंधों की हीलिंग को, गर्दन की हीलिंग, अपनी गर्दन को घुमाओ,
मैं कंधों के हीलिंग को होते हुए देख रहा हूं। कमाओ 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 कमाओ, विश्वास से करो, जो नहीं होता वो करके देखो। अपने कानों में उंगलियां डालो और यीशु मसीह के नाम से कहो। अपनी आंखों पर हाथ रखो और यीशु मसीह के नाम से कहो। अपने पेट पर हाथ रखो, पीठ पर रखो, हर चीज पर रखो और धन्यवाद के साथ कहो, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, मैं बेटा हूँ, तेरा कोई अधिकार नहीं है। आज बोलो, आज हर चीज विश्वास से बोलो। मैंने कहा कहो, मैंने कहा विश्वास से कहो, विश्वास से कहो। आज सबके रास्ते खुलेंगे। जो लोग मन फिरा चुके हैं, परमेश्वर की सुन चुका है, वो बहुत जल्द गुड न्यूज के साथ वो आएंगे, अपनी बड़ी गवाहियों के साथ आएंगे, अपने बड़े कामों को खुलते हुए देखेंगे, वो अपने बच्चों की गवाही देंगे। मैंने कहा अपने बच्चों की गवाही देंगे, अपने बच्चों के लिए अच्छे रिश्ते आएंगे, आपको अच्छी अच्छी चीजें कि आप गुड न्यूज सुनोगे। मैंने कहा हर चीज की आप गुड न्यूज सुनोगे। मैंने कहा आप गुड न्यूज सुनोगे। ये 2022 चाहे ये जो साल है परीक्षाओं का है, अगर आप विश्वास करोगे वो हर वो चीज खुदा की महिमा में बदल जाएगी। मैंने कहा महिमा में बदल जाएगी। मैं गले के नीचे, ये फेफड़ों और गले के नीचे मैं आपके हीलिंग को होते हुए देख रहा हूं। मैंने कहा मैं आपके गले के नीचे तुरंत और फेफड़ों, बस गले के नीचे और फेफड़ों के बीच बीच की ये मैं हीलिंग को होते हुए देख रहा हूं। मुझे नहीं पता आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या है, मैं इस हीलिंग को होते हुए देख रहा हूं, मैं इस हीलिंग को होते हुए देख रहा हूं। और यह हीलिंग एक छोटे बच्चे के जीवन में भी हो रही है। और रिसीव करो, ग्रैंड करो। मैंने कहा रिसीव करो, ग्रैंड करो। मैंने कहा रिसीव करो, ग्रैंड करो। मैंने कहा रिसीव करो, ग्रैंड करो। खुदा का आत्मा हमारे पीछे है और वो आपको छू रहा है। मैंने कहा उसका आत्मा हमारे पीछे और छू रहा है। अगर आप डिक्लेयर कर रहे हो, आप घोषणा कर रहे हो, तो ये सब काम हो रहे हैं आज। मैंने कहा सब काम हो रहे हैं। मैंने कहा सब काम हो रहे हैं। बीमार रोगी पूरी तरह से आज चंगे हो रहे हैं। आपकी वीकनेस, आपकी कमजोरियां शरीर से जा रही है, वो कमजोरी का आत्मा जा रहा है। मैंने कहा वो जा रहा है, वो जा रहा है। जिन्हें गंदे सपने आते, गंदे ख्वाब आते, डिक्लेयर करो। जिन्हें व्यभिचार की दुष्ट आत्माएं नजर आती है, जब सपनों में आकर उनसे रिलेशन बनाती है, आज कमांड करो उस अधिकार के साथ जो आज आपने सीखा। डिक्लेयर करो, घोषणा करो, जो दुष्ट आत्माएं आपके सपनों में आपे आकर आपके साथ गलत संबंध बनाती है, डिक्लेयर करो। मैंने कहा अधिकार के साथ डिक्लेयर करो। बोलो 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 बोलो, विश्वास के साथ बोलो, तेरा कोई अधिकार नहीं। बोलो तेरा कोई अधिकार नहीं। मैंने कहा विश्वास से बोलो, तेरा कोई अधिकार नहीं। मैंने कहा विश्वास से बोलो, तेरा कोई अधिकार नहीं है। हर जादू टूने की आत्माओं को मैं कैंसिल करता हूं आपके जीवन से। मैं कहता हूं मैं हर जादू टूने की आत्मा को कैंसिल करता हूं। अरे सोचते मत रहो, विश्वास से करो और धन्यवाद करो, चलते हुए के परमेश्वर तू मेरी सुन चुका, मैं आजाद हुआ। विश्वास से करो, विश्वास से करो, आज विश्वास से करो, विश्वास से। आज जो कुछ विश्वास से करोगे वो रिजल्ट आएंगे आपके जीवन में बने। मैंने कहा आज से रिजल्ट आएंगे, बड़े रिजल्ट आएंगे यीशु मसीह के नाम से। मेरी ओर ना देखो, खुदा की ओर देखो, जो आपको आज चंगा करने के लिए आपके बीच उतरा है। मैंने कहा जो चंगा करने के लिए स्वर्ग से वो आपके बीच उतरा है, जो कहता है कि तुम्हें विश्वास है मैं चंगा कर सकता हूं, वो आज स्वर्ग से हमारे बीच आया है। जिसका आत्मा हमारे अंदर है, कहता ही हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, ये भविष्य नहीं आज सबके लिए। कहता हे मेरी बेटी, हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुझे विश्वास है जो जो मेरा दास बोल रहा वो मैं बोल रहा हूं आज, जो मेरा दास बोल रहा वो मैं बोल रहा हूं। तुझे विश्वास है कि मैं तेरा काम ये कर सकता हूं, मैं तुझे चंगा कर सकता हूं। वो कहता मेरी बेटी, मेरे बेटे, तुझे विश्वास है मैं तुझे चंगा कर सकता हूं।
जितने लोग ऊंची उठाकर कहते यस, अपने हाथों को उठाकर, जितने लोग कह रहे हैं कि हाँ मुझे विश्वास है और तू मुझे चंगा कर चुका है, तू मुझे इस रसौली से, इस पत्थरी से, गिल्टी से तू मुझे छुटकारा दे चुका है, तू मुझे छुटकारा दे चुका है, मुझे हर समस्या से, हर पीड़ा से तू मुझे आजाद कर चुका है, मुझे कर्ज से, मुझे दुष्ट आत्माओं के जो गंदे व्यभिचार की सपने आते हैं, जो कर्ज है, हर चीज से तू मुझे आजाद कर चुका है। बोलो तू मुझे आजाद कर चुका है, मैं विश्वास करती हूं, मैं आजाद कर विश्वास करती हूं, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर, आज मैं फ्री हूं, आज मैं आजाद हूं प्रभु, क्योंकि तूने कहा, तूने कहा है कि तुझे विश्वास है मैं तुझे चंगा कर सकता हूं। जितने लोग ऊंचा अपने हाथों को उठाकर स्वर की ओर ऊंचा बोलेंगे आज वो चंगे होंगे, उनके रास्ते खुलेंगे, उनके काम खुलेंगे। मैंने कहा आज से उनके लिए सब कुछ होगा, मैंने कहा होगा होगा होगा, जो नहीं होता मैं फिर से कहता हूं वो करो, अगर उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, आपको उठने बैठने की दिक्कत है, उठो और बैठो। अगर आपको विश्वास है वो कहता बेटी मेरे बेटे तुझे विश्वास है, फिर उठो और बैठो, चुको जो नहीं होता वो करो, जो नहीं होता अपने बाजू को हलाओ, अपने बाजू को हलाओ, अपने बाजू को हलाओ। मैंने कहा आज से वो बड़े काम होंगे, बड़े काम होंगे, मैंने कहा संदेह मत करो, अपने बाजू को हलाओ और धन्यवाद करो कि परमेश्वर तू मेरी सुन चुका है, मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं तू मेरी सुन चुका है, तू मेरी सुन चुका है। जैसे उसने 38 साल के रोगी को कहा अपनी खाट उठाओ और चल, आज मैं भी आपको कहता हूं उठो और चलो, जो बैठे हुए हैं मैं उनको भी कहता हूं जो चेयर पे, उसी वचन के अनुसार 38 साल के रोगी को यीशु ने कहा अपनी जगह पर उठकर आगे आ जाओ और दौड़ना शुरू करो यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा अपनी जगह पे उठकर जो चेयर पे है, जो नीचे बैठे हुए हैं वो आगे आ जाओ, और मैंने कहा आगे आ जाओ और दौड़ना शुरू करो, जब तक आप करोगे नहीं तो होगा नहीं। मैंने कहा जब तक आप वचन को सुनकर, मैंने कहा जितने नीचे बैठे हैं जो चल नहीं सकते, उनके घुटनों में प्रॉब्लम है, उन्हें उठने के चलने के, वो आगे और दौड़ना शुरू करो, चलना शुरू करो। मैंने कहा उठो और चलो, अगर आप शर्मा रहे हो, अगर 38 साल का रोगी शर्माता रहता तो उसकी सामत उसे छूती ना, मैंने कहा उसकी सामत उसे छूती ना, एक्शन करो और काम करो। मैं कहता हूं आज चलो, अगर 10 कदम चलोगे वो 100 कदम चलाएगा, अगर 100 चलोगे वो 1000 चलाएगा, आप थोड़ोगे यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा आज से आप थोड़ोगे यीशु मसीह के नाम से, पर बात ये है कि यहां पर सुनकर भी आप वहीं अपनी जगह पे खड़े हो, आप उस वचन पर एक्शन नहीं कर रहे, आप निकल कर चल नहीं रहे, दौड़ नहीं रहे, तो क्या फायदा है? मैंने कहा क्या फायदा है? अगर आपने वचन सुना है तो फिर चलो, मैंने कहा फिर चलो, शर्माओ नहीं, और आपने वचन सुना है तो चलो, चलो चलो चलो, विश्वास से करो करो करो। जितने लोगों को उठने बैठने की और चलने की प्रॉब्लम आस करो, चलो चलो, जितना चला जाता अब चलोगे, अगर 10 कदम चले वो 100 चलाएगा आपको, 1000 चलाएगा और वो दौड़ाएगा यीशु मसीह के नाम से आपको। मगर दौड़ना चाहते हो तो फिर निकल आओ और उस बात पर एक्शन करो। लबाना सखा रा बाबा बारा बाबा लेबोरी सिखा दा ला बाबा 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 लिबनिया दा नखुर सखा बाबा 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 लिबोरो सोखोरा बाबा बाबा। जिन बहनों के बच्चे पति विश्वास नहीं करते, मैंने कहा जिन बच्चों के बहनों के पति विश्वास नहीं करते, मैं डिक्लेयर करता हूं आज वचन के द्वारा डिक्लेयर करता हूं कि हर अंधकार की दुष्ट आत्मा ही जो उन्हें रोकती है खुदा की हजूरी में आने,
मैंने कहा जो रोकती है वो हर और रुकावट चली जाए। मैंने कहा हर और रुकावट चली जाए, हर और रुकावट आज चली जाए। मैं यीशु के नाम से शैतान तेरी दी हुई बीमारी के ऊपर मैं डिक्लेयर करता हूं, मैं डिक्लेयर करता हूं शैतान तेरी दी हुई बीमारी से उसके घुटनों को छोड़, आउट 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 आउट। प्रे यस परमेश्वर, तूने मुझे ये अधिकार दिया कि बीमारों पर हाथ रखोगे बीमार चंगे होंगे। मैं डिक्लेयर करता हूं परमेश्वर जी, तेरी बच्ची जो सालों से शैतान के बंधन में थी, खुदावंद आज तेरे नाम से तेरे इस वचन से ये हील हो जाए, ये चंगी हो जाए, इसकी सारी दर्दें इसकी बॉडी से चली जाए, इसके घुटने काम करें, ये तेरे नाम से उठने पाए, चलने पाए, दौड़ने पाए। यस, चिल्लाओ 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 चिल्लाओ। अगर आपने भी आज विश्वास से ये काम किया होता, अगर आप आगे आते और निकलते तो खुदा का हाथ आज आपके ऊपर आ तो रहा और भी ध्यान के साथ बढ़ता। अब नहीं होगा, अब एक बंदे को सुनकर आप आगे आ रहे हो, अब कुछ नहीं होगा। जब मैं बोल रहा था तब अब सिर्फ उस वचन के अनुसार आगे आओ और चलो। मैंने कहा चलो 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 चलो, वो सच्चा परमेश्वर। आप दौड़ोगे, आप देखोगे, आज से जो नहीं होता वो अपने जीवन में पूरा होते हुए देखोगे। मैंने कहा आज से वो पूरा होते हुए देखोगे यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा वो पूरा होते हुए देखोगे। से बोलो परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं क्योंकि तूने कहा है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। मैं विश्वास करती हूं परमेश्वर, तू मुझे छू चुका है और मैं आजाद हूं। मैंने कहा बोलो तू मुझे छू चुका है और मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं। जिसके पास घर नहीं है बोलो तू मुझे घर दे चुका है। मुझे नहीं पता कहां से तूने देना है, किस मनुष्य को तूने इस्तेमाल करना है, मगर मैं विश्वास करती हूं, विश्वास करता हूं तू मुझे अपना घर दे चुका है। बोलो तू मुझे अपना दे चुका है, तू मुझे अपना बिजनेस, मुझे जॉब, हर चीज दे चुका। आमीन।